नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात लालगंज लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 68। लालगंज की जो लोकसभा सीट है, ये लालगंज आजमगढ़ की एक तहसील है, कस्बा है, नगर पंचायत के क्षेत्र में आता है। ये लोकसभा सीट जो आजमगढ़ जिले में दो लोकसभा की सीटें आती हैं, इसमें एक आजमगढ़ है और दूसरी ये लालगंज की लोकसभा सीट है। विधानसभा की इसमें 5 सीटें आती हैं, अतरौलिया, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, दीदारगंज और लालगंज। ये 5 सीटें हैं जिसमें 2 समाजवादी पार्टी के पास हैं, 1 भारतीय जनता पार्टी के पास और 2 बसपा के पास। अतरौलिया और निजामाबाद की जो दो विधानसभा सीटें हैं, ये समाजवादी पार्टी का कब्जा है इसमें। फूलपुर पवई से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके और रमाकांत यादव के बेटे अरुण यादव विधायक हैं, तो वहीं दीदारगंज और लालगंज ये 2 सीटें जो है वो बसपा के पास हैं। इस लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जब से ये सीट अस्तित्व में आई है तब से ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है। इस जो चुनाव की बात हो तो साल 1962 में इस सीट पर लोकसभा के पहले चुनाव हुए। उस चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विश्राम प्रसाद यहाँ से चुनाव जीत करके और सांसद हुए थे। इसके बाद 1967 में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो गया और रामधन यहाँ से सांसद चुने गए, तो वहीं 1971 में दोबारा रामधन को यहाँ से चुनाव जीतने में सफलता मिली। 1977 के चुनाव जब हुए थे तो उस समय इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ था, उस समय कांग्रेस पार्टी में बंटवारा हो चुका था, फूट पड़ चुकी थी। रामधन भी उस समय इंदिरा से कांग्रेस से विरोध करके और ये चंद्रशेखर वाले गुट के साथ, जो बागी गुट कहलाता था, तो उस गुट के साथ चले गए थे। इमरजेंसी में इनकी गिरफ्तारी हुई। बाद में जब इमरजेंसी के बाद लोकसभा के चुनाव हुए देश में, तो ये भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके यहाँ से वो संसद पहुंचे। इसके बाद 1980 में ये सीट जनता पार्टी सेकुलर के हिस्से में चली गई, छांगुर राम यहाँ से सांसद चुने गए। फिर 1984 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रामधन एक बार फिर यहाँ से चुनाव लड़े और चौथी बार यहाँ इस सीट से वो चुनाव जीत करके और सांसद हुए थे। फिर 1989 का चुनाव भी रामधन जीते, लेकिन उस समय वो जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1991 में इस लोकसभा सीट पर जनता दल को जीत मिली, पर तब इसके उम्मीदवार के तौर पर रामबदन थे, रामधन नहीं थे। रामबदन यहाँ से चुनाव जीत करके और संसद पहुंचे थे। उसके बाद 1996 में ये सीट बीएसपी के खाते में गई, पहली बार यहाँ बीएसपी का खाता खुला और डॉक्टर बलिराम जो थे वो यहाँ से चुनाव जीत करके और संसद पहुंचे। साल 1998 में ये सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में चली गई, दरोगा प्रसाद सरोज यहाँ से चुनाव जीते और सांसद हुए। 99 का चुनाव दरोगा प्रसाद हार गए, एक बार फिर से ये सीट बसपा के खाते में गई और डॉक्टर बलराम यहाँ से दोबारा चुनाव जीत करके और संसद पहुंचे। 2004 में दरोगा प्रसाद सरोज चुनाव जीतने में कामयाब रहे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके और यहाँ से सांसद चुने गए। पर 2009 में ये सीट एक बार फिर बसपा के पाले में चली गई, डॉक्टर बलराम यहाँ से तीसरी बार सांसद चुने गए। साल 2014 में पूरे देश में मोदी लहर के नाम पर चुनाव हुआ था, उस चुनाव में यहाँ से नीलम सोनकर को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके और जीत हासिल हुई थी, तो वहीं 2019 के चुनाव में ये सीट एक बार फिर बसपा के खाते में और संगीता आजाद यहाँ से वर्तमान समय की सांसद हैं। इस सीट पर जो प्रभावी नेता हैं, नेताओं की बात की जाए तो जो वर्तमान सांसद हैं संगीता आजाद, वो 24 जून 1981 को आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ। मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की, फिर इसके बाद ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएड की पढ़ाई की, राजनीति में सक्रिय हुई। इनके जो पति हैं आजाद हरिवर्धन बसपा के नेता हैं, वर्तमान समय में लालगंज की लोग जो विधानसभा सीट है उससे बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ करके वो विधायक हैं। 2019 में इनको बसपा ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया, ये चुनाव जीती और सांसद हुई। जो ये राजनीतिक परिवार से आती हैं, राजनीतिक परिवार का एक रसूख है इनकी, इनके परिवार का क्षेत्र में एक ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। और चूंकि बसपा से जुड़ी हुई राजनीति, इसलिए जो दलित और जो बसपा के कोर वोटर्स हैं उनके बीच इनकी पहुंच, इनके परिवार की पहुंच अच्छी मानी जाती है। नीलम सोनकर की बात की जाए तो 11 फरवरी 1973 को इनका जन्म हुआ, कानपुर में ये जन्मी थी। हालांकि इनका परिवार आजमगढ़ से संबंध रखता था, गोरखपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की, एमए तक की पढ़ाई पूरी होने के बाद राजनीति में सक्रिय हुई। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इन्होंने साल 2005 में बहुजन समाज पार्टी के साथ की थी, और जब 2006 में नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव इनको बसपा ने लड़ाया था, हालांकि वो चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। इसके बाद साल 2008 में नीलम ने बसपा छोड़ करके और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में वो लालगंज की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी, पर वो चुनाव हार गई। इसके बाद 2014 में फिर से एक बार पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया और पार्टी के
भरोसे पर वो खरी उतरी, नरेंद्र मोदी के नाम की लहर पर सवार होकर वहां से चुनाव जीतने में कामयाब रही। वही साल 2019 का लोकसभा चुनाव एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा किया था, पर वो चुनाव वो हार गई। वर्तमान समय में वो उत्तर प्रदेश भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, संगठन में काम कर रही हैं, संगठन को मजबूत करने का जिम्मा उठाया हुआ है। इसके बाद दरोगा प्रसाद सरोज की बात आती है। दरोगा प्रसाद सरोज को क्षेत्र के दबंग नेताओं में उनकी गिनती होती है, जो 1 जनवरी 1956 को इनका जन्म हुआ। ये रमाकांत यादव जो आजमगढ़ के सांसद रह चुके थे, उस क्षेत्र के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनके पूर्वांचल की राजनीति में हस्ती हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, पर वो चुनाव ये हार गए थे। वही 1998 के चुनाव में इनको जीत मिली, 99 का चुनाव एक बार फिर हारे, और फिर साल 2004 के लोकसभा चुनाव में इनको जीत हासिल हुई। साल 2008 में उस क्षेत्र में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई, जब रमाकांत यादव बसपा छोड़ करके, उस समय बसपा में होते थे, बसपा छोड़ करके और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। उप क्षेत्र में उपचुनाव हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, फिर 2009 में चुनाव लड़े, सांसद हुए। और उधर 2012 में जो है समाजवादी पार्टी ने दरोगा प्रसाद की जगह उस वहां पर बिचई प्रसाद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे नाराज दरोगा प्रसाद रमाकांत की सहायता से भारतीय जनता पार्टी में आ गए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2014 का जो लोकसभा चुनाव होना था उसमें उनको पार्टी टिकट देगी। पर ऐसा हुआ नहीं। रमाकांत की सिफारिश के बावजूद भी, रमाकांत की मजबूत पैरवी के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से नीलम सोनकर को चुनावी मैदान में उतारा। नीलम सोनकर ये चुनाव जीत करके यहाँ से सांसद हुई थी। फिर साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आए तो दरोगा प्रसाद सरोज को भारतीय जनता पार्टी ने लालगंज की विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, हालांकि ये चुनाव वो हार गए। हारने का नतीजा ये हुआ कि इनकी 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कमजोर हो गई। इसका बाद में इन्होंने पार्टी छोड़ दी। अप्रैल 2019 में ये अपनी पहले वाली पार्टी समाजवादी पार्टी में लौट आए, हालांकि सपा बसपा का गठबंधन हो गया और उस चुनाव में ये सीट बसपा के पाले में चली गई। बसपा का उम्मीदवार यहाँ से उतरा और चुनाव जीत करके सांसद हुआ। इसके अलावा इस सीट पर बात की जाए तो डॉक्टर बलराम यहाँ से 3 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर के सांसद रह चुके हैं। बीएचयू से डॉक्टरेट करने वाले डॉक्टर बलराम जो हैं वो अध्यापन और शिक्षा के क्षेत्र में खासे सक्रिय माने जाते हैं। इसके अलावा उनको जमीनी नेता के तौर पर देखा जाता है और बसपा के जो कोर वोटर्स के साथ साथ जो वहाँ अन्य दूसरे दल जो दूसरी जाति से लोग हैं वो भी इनके साथ काफ़ी जुड़ाव रखते हैं। चुनावी समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ 17,49,893 कुल मतदाताओं की संख्या है, जिसमें 9,33,391 मतदाता पुरुष हैं तो 8,16,470 मतदाता महिला हैं। ये इलाका आजमगढ़ से जो बटा हुआ एरिया है, हिंदू बाहुल इलाके के तौर पर जाना जाता है। सोनकर वोटर्स की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है, अच्छी तादाद है और यही कारण है कि हर बार पार्टियाँ इस सुरक्षित सीट से जो है वो जाति समीकरणों को साधने के लिए, संतुलन बैठाने के लिए तमाम कोशिशें करती हैं। और हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या इसीलिए यहाँ से ठीक ठाक दिखी थी, जो दो प्रमुख पार्टियों ने यहाँ से महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि इन महिला उम्मीदवारों के जीतने से भी यहाँ के क्षेत्र में जो विकास के कार्य हैं उसमें बहुत अंतर अभी तक पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। धन्यवाद।